हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा एजुकेशन कंसल्टेंसी। मैं हूं डॉक्टर गुलाब। आज हम डिस्कस करेंगे एट दिन वुमेन्स मेडिकल कॉलेज के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को ऐड किए हैं जो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमें पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और उन स्टूडेंट को शेयर कीजिए जो MBBS फॉरेन कंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए पॉइंट वाइज शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो एट दिन वुमेन्स मेडिकल कॉलेज है, एट दिन फाउंडेशन के अंदर है, जिसके अंदर और भी तीन मेडिकल कॉलेज है, जैसे कि एट दिन सकीना वुमेन्स मेडिकल कॉलेज, एट दिन आकिस मेडिकल कॉलेज, वसुंधरा एट दिन मेडिकल कॉलेज और बहुत सारे हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट है। फ्रेंड्स, एट दिन वुमेन्स मेडिकल कॉलेज टू बरा मगबजार आउटर सर्कल रोड ढाका 1217 बांग्लादेश पर लोकेटेड है। सो फ्रेंड्स, आप इस कॉलेज में बेसिकली तीन तरीके से विजिट कर सकते हैं। नंबर वन, फ्रेंड्स अगर बाय फ्लाइट जाएंगे तो जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, कलकत्ता एयरपोर्ट, बागडोगरा एयरपोर्ट, गुवाहाटी एयरपोर्ट, इन एयरपोर्ट से डायरेक्ट बांग्लादेश के शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक फ्लाइट जाते हैं, जिसका फेयर 3,500 रुपए से 5,000 रुपए तक होता है। मैटर करता है आप किस टाइम में बुक करवाते हो। वहाँ से बाय टैक्सी और बस में 45 मिनट का रास्ता है, अप्रोक्सीमेटली 14 किलोमीटर है। नंबर टू, फ्रेंड्स अगर आप लैंड बॉर्डर क्रॉस करके जाएंगे तो बॉर्डर क्रॉस करते ही ढाका का डायरेक्ट और कनेक्टिंग बस मिल जाएगी। नंबर थ्री, जो स्टूडेंट कलकत्ता के आसपास है वो ट्रेन से भी जा सकता है, ट्रेन कलकत्ता से ढाका तक जाता है। फ्रेंड्स, एट दिन वुमेन्स मेडिकल कॉलेज को BMDC मतलब बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश से अप्रूव किए गए हैं। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स WHO, फाउंडेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, फाइमार, एजुकेशनल कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स ECFMG, यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन USMLE से रिकॉग्नाइज्ड है। स्टूडेंट्स, इस कॉलेज का फाइमार स्कूल्स ID है F00028 55। फ्रेंड्स, ये मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका के साथ एफिलिएटेड है, जो MCA मतलब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और NMC मतलब नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। अब हम चलते हैं फीस स्ट्रक्चर की तरफ। फ्रेंड्स, हर एकेडमिक ईयर में फीस स्ट्रक्चर चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन ये चेंजेस कुछ ज्यादा नहीं है। फिर भी आप जब एडमिशन लेंगे तो हमसे कंफर्म कर लीजिएगा उस एकेडमिक ईयर का फीस स्ट्रक्चर क्या है। अभी जो हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और 2021-2022 सेशन का है। सो फ्रेंड्स, एट दिन वुमेन मेडिकल कॉलेज में इंटरनेशनल स्टूडेंट के फीस स्ट्रक्चर है टोटल 5 ईयर्स के लिए $39,500, जो इंडियन रुपी के हिसाब से लगभग 28.44 लाख होगा, जिसमें 1 USD = 72 रुपी के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। आगे भी हम इसी रेट पे कैलकुलेट करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो अमाउंट है कॉलेज के अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट करना है एंड एक शेड्यूल के मुताबिक देना है, वो है फर्स्ट सीट बुकिंग अमाउंट $6,500, जो इंडियन रुपी के हिसाब से लगभग 4.68 लाख होगा। देन एडमिशन के टाइम में $13,000 देना होगा, जो इंडियन रुपी के हिसाब से 9.36 लाख होगा। सो टोटल एडमिशन के टाइम में $19,500 देना होगा, जो इंडियन रुपी के हिसाब से होता है 14.04 लाख। देन थर्ड इंस्टॉलमेंट में आपको $5,000, जो इंडियन रुपी के हिसाब से 3.60 लाख होगा, जो 6 मंथ के अंदर अंदर आपको देना है। रेट जो अमाउंट है $15,000, ये अमाउंट 4 इंस्टॉलमेंट में आपको $3,750, जो इंडियन रुपी के हिसाब से लगभग 2.70 लाख होगा, जो हर साल स्टार्टिंग में देना। इस फीस स्ट्रक्चर में ट्यूशन फीस है, लेकिन हॉस्टल फीस मतलब लॉजिंग एंड खाने का जो चार्ज हो $150 पर मंथ देने होंगे, लेकिन जब AC में रहेंगे तो उसका चार्ज अलग से देना होगा। ढाका यूनिवर्सिटी एंड BMDC रजिस्ट्रेशन का चार्ज अलग से देना है। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं एट दिन वुमेन्स मेडिकल कॉलेज के बेनिफिट के तरफ। बेनिफिट नंबर वन, जो गांव के स्टूडेंट के पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे हाईली सिक्योर जगह पढ़ रहे हैं, सो दिस इज द राइट प्लेस, क्योंकि ये ओनली गांव के स्टूडेंट के लिए। बेनिफिट नंबर टू, फ्रेंड्स इस मेडिकल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे है, जिसमें ऑल डिपार्टमेंट, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया सब कुछ। बेनिफिट नंबर थ्री, इस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल्स भी बहुत ही अच्छे हैं। बेनिफिट नंबर फोर, इस मेडिकल कॉलेज के पास
500 बेडेड हॉस्पिटल है। बेनिफिट नंबर 5 एट दी रोमन्स मेडिकल कॉलेज के हैं, एस्टेब्लिश्ड ईयर 2008 है, सो 13 इयर्स हो चुके हैं, सो किसी चीज की कमी नहीं है, एक भरोसा है कि अच्छा ही होगा। बेनिफिट नंबर 6 स्टूडेंट्स इस मेडिकल कॉलेज के हैं, अच्छी टीचिंग फैकल्टी और पढ़ाई होने की वजह से FMG पासिंग रेशियो अच्छा है। फ्रेंड्स बांग्लादेश में पढ़ने का कुछ कॉमन बेनिफिट है, इंडिया के पास में है सो आने जाने का खर्चा बहुत ही कम पड़ जाता है, लिविंग कॉस्टिंग इंडिया के जैसा ही है, खाना इंडिया के जैसा ही है, एनवायरनमेंट क्लाइमेट वेदर सब कुछ इंडिया के जैसा है, बुक भी वही राइटर वाला पढ़ाता है जो इंडिया के कॉलेज में पढ़ाता है, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है वो लोग हिंदी भी समझते हैं, 95% MMCA कोर्स करिकुलम है, FMG पासिंग रेशियो हाईएस्ट है, इंटर्नशिप बांग्लादेश और इंडिया किसी भी एक जगह कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ओवरऑल बांग्लादेश इज बेस्ट फॉर MBBS कोर्स फॉर इंडियन स्टूडेंट। सो गर्ल्स स्टूडेंट्स ये मेडिकल कॉलेज अगर आप फॉरेन में MBBS करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा सा डेस्टिनेशन हो सकता है। फ्रेंड्स एट दिन वोमेंस मेडिकल कॉलेज के बारे में बस इतना है, इसके साथ ही मैं आपको दो और वीडियो देखने के लिए सजेस्ट करूंगा, वो है व्हाई बांग्लादेश इज बेटर फॉर MBBS कोर्स फॉर फॉरेन स्टूडेंट स्पेशली फॉर इंडियन स्टूडेंट एंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू टेक एडमिशन इन MBBS कोर्स इन बांग्लादेश फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप MBBS या कोई भी कोर्स इंडिया या कोई भी फॉरेन कंट्री में करना चाहते हैं तो नीचे दिखाए गए नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप करके हमें पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का जरूर रिप्लाई करेंगे, या फिर शिक्षा एडुकेशन कंसल्टेंसी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं जिसमें बहुत सारा डिटेल्स दिया हुआ है। हमारे दर्शक में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि चाहते हैं कि खुद की एडुकेशन कंसल्टेंसी स्टार्ट करें और इंडिविजुअल भी स्टूडेंट रेफर करें तो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। मिलेंगे एक नई टॉपिक पर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।